बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हाँ जी, तो अब मैं आज मैं बनाने लगी हूँ मुतंजन, या जो है ज़रदा कह सकते हैं, ज़रदा तो नहीं, मुतंजन ही कह लें। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो राइस बॉयल कर लिए थे, जिनको कि मैंने तकरीबन 80% जो है वो डन किया है। उसमें मैंने लौंग और इलायची और बादियान का फूल डाल के उसको पानी जो है वो बॉईल कर लिया था, राइस मैंने उसी में बॉईल कर लिए थे। अब मैंने तीन प्याले लिए हैं, उनमें मैंने एक जो है वो येलो फूड कलर, एक रेड फूड कलर और एक ग्रीन फूड कलर जो है वो मैं इसमें जो है मिक्स करने लगी हूँ। उसके बाद हम इसमें थोड़े थोड़े राइस ऐड कर लेंगे और राइस ऐड करके हम उनको मिक्स करके सेपरेट रख लेंगे। तकरीबन टू टेबल स्पून जो है वो हम इसमें हर कलर में जो है वो राइस ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसको जो है रख लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही मेरे पास है किशमिश, बादाम और पिस्ता, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो है वो मिक्स करके और रख लेंगे। तो जो हमारे पास बादाम, पिस्ता और किशमिश है, इसके अलावा मेरे पास जो है वो खोया है, इंस्टेंट खोया, जो कि मैंने बाज़ार से लिया था, परचेज़ किया था मैंने। तो ये जो है मीठा नहीं है, हम इसके अंदर जो है शुगर ऐड करके और इसको थोड़ा सा पहले इस फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो खोए को हम मिक्स कर लेंगे शुगर में, उसके बाद हम इसको यूज़ करके रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो जो राइस है हमारे, हमने टू टेबल स्पून लेके जो कलर है उसमें ऐड कर लिए हैं। कलर में हम राइस जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है साइड पे रख देंगे और फिर हम बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे। ये तो आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन, येलो और रेड जो फूड कलर है वो ऐड करके राइस जो है वो मिक्स करके रख लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास है केवड़ा एसेंस, जो कि आप केवड़ा वाटर भी बोल सकते हैं, एसेंस भी बोल सकते हैं। इसको बहुत ही कम मकदार में यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसका थोड़ा सा भी अगर ये ज़्यादा चला जाता है तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी खुशबू ही इतनी हो जाती है कि राइस फिर खाए नहीं जाते। जैसे यह है बादाम हमारे पास, यह है पिस्ता और यह है किशमिश। पहले हम इसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे और फिर हम जो है खोया उसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक वॉक ले ली है, उसमें मैं जो है ऑयल थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें जो है बादाम, पिस्ता और किशमिश ऐड करेंगे। ऐड करके हम इसको जो है पहले थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, सॉरी, मैंने पहले शुगर ऐड की है उसके लिए, खोए को जो है वो थोड़ा सा मीठा करने के लिए। शुगर जैसे ही थोड़ी सी डिजॉल्व होगी हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। खोए को जो है हम थोड़ी सी देर के लिए शुगर सिरप के साथ जो है वो भून लेंगे, ताकि उसका जो शुगर सिरप है वो खोए में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम खोया निकाल लेंगे। तो इसके अलावा ब्रैनी की और उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, चिकन की रेसिपीज़, सैलड्स की, चेक्स वगैरह की। तो आपको जिस तरह की भी रेसिपीज़ चाहिए हो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल हैं। हाँ जी, तो मैंने इसमें शुगर से अब में जो है मैंने खोया ऐड कर दिया। खोया ऐड करके मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, ठीक है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैं इसमें से खोया निकाल लूँगी। मेरे खोए का थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क हो गया था, बट इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं हुआ था। अगर आपको लगे कि उसका टेस्ट ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब हम इसको जो है भुनने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, और इसी में ही फिर हम लोग जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम ऐड करके उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, तो ये मैंने इस पॉइंट पर आकर इसमें से खोया जो है वो निकाल लिया था। निकालने के बाद हम इसमें जो है ऑयल थोड़ा सा और ऐड करेंगे। वैसे तो ऑयल बाकी रह जाता है, लेकिन अगर आपका मेरी तरह ऑयल ख़त्म हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा और ऑयल या घी, बट इसमें घी यूज़ होता है, सॉरी मैं आप ऑयल बोल रही थी, घी यूज़ होता है। तो हम इसमें घी थोड़ा सा और ऐड करके किशमिश, बादाम और पिस्ता जो है उसको
हल्के से फ्राई कर लेंगे। किशमिश जैसे ही थोड़ी सी फूलेगी तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। निकाल कर हम इसको जो है साइड पे रख लेंगे, और जो हमारे पास खोया है और ये है इसको हम फिर साइड पे कर देंगे, इसको एंड में हम यूज़ करेंगे। वो साथ के साथ रेसिपी में मैं आपको बताती जाऊँगी। हाँ जी, तो ये जो है फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया। अब हम इसमें बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के बाद हम उसमें राइस ऐड करेंगे, जो कि मैंने हाफ 80% डन करके रख लिए थे। जी, तो अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। ये तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो राइस थे, आप तकरीबन उस 1.5 पाव राइस थे, और उसमें मैंने उतनी ही शुगर ऐड की है, बट शुगर आप थोड़ी सी कम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड किया है। हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें जो आपको ऊपर थोड़े थोड़े दाने टाइप नज़र आ रहे हैं, ये हमने जो खोया इसमें फ्राई किया था ये उसके हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चिकन सॉरी शुगर जैसे ही थोड़ी सी डिज़ोल्व होगी तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगा था शुगर को डिज़ोल्व होते, बट मैंने जो है वो थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आप लोगों को भी मुश्किल ना हो। इसमें राइस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम इस पॉइंट पर हम कम नहीं करेंगे जब तक कि इसका पानी जो है शुगर का वो राइस में मिक्स ना हो जाए और पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए, क्योंकि राइस जो है वो हमारे 80% डन है। हमारे राइस को बहुत ज़्यादा जो है टाइमिंग की या हीट की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये जो है खुश्क होगा, शुगर सिरप और चावलों में राइस में जो है डिज़ोल्व होगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने फूड कलर राइस में मिक्स करके रखे थे वो ऐड करेंगे, और बाकी जो हमारी चीज़ें थी वो ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसको दम ओनली 2 to 5 मिनट्स का देंगे, उससे ज़्यादा हम दम नहीं देंगे, नहीं तो जो राइस हैं वो आपके सख्त हो जाएंगे, और वो इतने ज़्यादा सख्त हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कब खाने के काबिल भी नहीं रहे। तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट पर आकर फ्लेम कम कर दीजिएगा। जी, याद रखिएगा, अगर पानी आपका थोड़ा सा भी शुगर का जो है वो चावलों में भी रहता है और आपने बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो कलर जो है वो सारे चावलों में मिक्स हो जाएगा, तो वो बहुत बुरा लगेगा। हाँ जी, तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें सारे जो हमारे कलर्ड राइस थे वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। हमारे पास किशमिश, बादाम और गरी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा खोया भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया, और थोड़ा सा केवड़ा वाटर मैंने इसमें डाल के लगती है। अब हम इसको दम दे देंगे ओनली 2 to 5 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिक्स करके निकाल लेंगे। हाँ जी, तो ये देखें, ये हमारे जो राइस हैं वो रेडी हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि जो राइस हैं उनका कलर जो है वो सब में ना आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ मेरे पास गुलाब जामुन और रसगुल्ला था।